इस तरह नेक में बहुत सा काम है, वर्क दिया गया है और नेक की चौड़ाई भी ज़्यादा। यहाँ से मैंने सिलाई लगा दिया हूँ, नेक की चौड़ाई कम करने का यही एक तरीका। और फिर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हूँ और यहाँ पर सिलाई लगा देता हूँ। चाप जितना आपका चौड़ाई है तो वहीं पर मैंने सिलाई लगाया, क्योंकि चाप घूमना चाहिए। अगर स्टोन पे चाप लगेगा तो चाप नहीं घूमेगा। इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है, अंदर की तरफ कपड़ा कट कर लेना है और फिर हल्का हल्का कट लगा लेना है। ये कट बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर सिर्फ अंदर की तरफ मोड़ देना है ये कपड़ा और फिर किनारे में सिलाई लगाना है। यहाँ पर सिंगल बूट का काम चल सकता था, लेकिन मेरे पास सिंगल बूट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ये नेक बनाने की कोशिश किया हूँ। अब देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास सिंगल बूट नहीं रहेगा तो बना सकते हैं, ये भी नेक ख़राब नहीं लगता है, देखने में अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर फिर मोड़ के कपड़े को फिर सिला लगा देना है। ये मोड़े हुए कपड़े को फिर बाद में तुरपाई कर देंगे। ये देखिए, इसको तुरपाई कर लेना हाथ से। और यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं नेक बन गया है। लेकिन यहाँ पर आपको देखा था इस तरह से ये नेक बन सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सिंगल बूट का इस्तेमाल करना पड़ता और ये नेक बन के रेडी हो चुका है।